आप जो स्क्रीन पे नंबर आपको नजर आ रहा होगा व्हाट्सएप पे, आप इस पे अपनी फोटो बेस्ट फोटो क्लिक सेंड, जो बेस्ट क्लिक्स आप सेंड करें उनको मैं एडिट करूंगा और उनके लिए भी व्लॉग पे एक प्यार सा व्लॉग बना के आपको बस आप वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अलहमदिल्ला मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच गाइज। तो इंशाल्लाह 1K के बिल्कुल नज़दीक हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फोटो क्लिक करना एक आर्ट है, लेकिन उससे भी बड़ा आर्ट है फोटो एडिट करना, क्योंकि फोटो एडिट करके आप यहाँ से यहाँ पर फोटो शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ मज़ेदार जो सबसे ज़्यादा मैं फोटो में आसान फोटो मेरे आप देख सकते हैं कि साइबर क्राइम डार्क टोन में होती हैं, तो ऐसे पहले मैं आपको वो सब करके दिखाने पा रहा हूँ, लेकिन इसका प्रीसेट भी मैं अपना आ दूंगा जिसको आप 1K एडिट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम्स लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सिंपली हमारी जो फोटो है वो लाइटरूम मैप में इंस्टॉल हो चुकी है, मतलब वहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। तो सिंपली हम इस पर 1 क्लिक करते हैं। 1 क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको जाना है लाइट वाले ऑप्शन में, लाइट वाले ऑप्शन में जाना है आपने, और जो फोटो इसमें जो लाइट एडजस्टमेंट है उसको अपने हिसाब से कर लेना है अपनी फ़ोटो के हिसाब से। तो सिंपली जो एक्सप्लोजर है इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और कंट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा, हाईलाइट्स थोड़े से ज़्यादा, और शेडोज थोड़े से ज़्यादा, और जो वाइट्स है वो कम, और जो ब्लैक्स हैं वो भी थोड़े से कम। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद आपको सिंपली जो नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे टेम्परेचर वाले लोगों पे बने हुए ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली जो इसका टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ा देना है अपनी फ़ोटो के हिसाब से, वाइब्रेंस थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है। ये सब करने के बाद आपको सिंपली जाना है ऊपर कलर वाले ऑप्शन पर। कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है आपकी स्क्रीन पर कौन सा कलर है। तो मुझे लग रहा है कि रेड पर हो सकता है थोड़ा सा इसका इफेक्ट हो, तो मैं सिंपली स्क्रॉल करके लाइट पे और इसका ल्यूमिनस बढ़ा देता हूँ, और ऑरेंज का भी मुझे इफेक्ट लग रहा है तो इसकी मैं सिंपली ल्यूमिनस बढ़ा देता हूँ ताकि जो मेरे चेहरा है उस पर ना थोड़ी लाइट आ जाए। ये सब सिंपल करने के बाद आपको सिंपली जो जितने भी कलर बाकी रह गया उन सब की जो सैचुरेशन है वो जीरो कर देनी है। तो मैं सिंपल इन सब की सैचुरेशन जीरो कर देता हूँ। सो गाइस इन पर्पल वाले कलर को मैंने इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि उस पर ना मुझे कुछ लग रहा है कि जैसे ये चेक करें ये थोड़ा स्किन पे आ रहा है, तो सिंपली इसको मैं इतना ही रहने देता हूँ। और ये सब कलर करेक्शन करने के बाद आप देख सकते हैं फोटो में काफ़ी अच्छी डार्क टोन इफेक्ट आ चुकी है। और ये डार्क ये इफेक्ट यूज़ करने का टूल यूज़ करने के बाद आपको सिंपली वापस भी जाना है लाइट वाले ऑप्शन में, और जाने के बाद वहाँ पर जो ब्लैक है उनको थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है। और सिंपली आपको इसके ये सब करने के बाद आपको नीचे स्क्रोल करना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पर। इफेक्ट वाले ऑप्शन में स्क्रोल करने के बाद आपका जो इसका टेक्स्चर है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है, मैं कम से कम रखने वाला हूँ 14 के करीब, और जो क्लैरिटी है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी है 17 के करीब, और जो वेनिटेज है इसको थोड़ा सा कम कर देना है, और जो फीडर्स हैं इनको भी राउंडनेस को थोड़ा सा कम, फीडर्स को भी थोड़ा सा कम, तो हाईलाइट्स को 100 कर देना है। ये सब नॉर्मल टूल यूज़ करने के बाद आपको सिंपली नीचे चले जाना है शार्पनेस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे जाकर शार्पनेस थोड़ी सी इसकी बढ़ा देनी है, नॉइज़ रिडक्शन थोड़ी सी ज़्यादा, कलर नॉइज़ रिडक्शन थोड़ी सी, और स्मूथनेस थोड़ी सी। तो ये सब इफेक्ट यूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी फोटो बहुत ही अच्छी डार्क टोन में एडिट हो चुकी है। तो बिफोर और आफ्टर देख सकते हैं, बिफोर और आफ्टर। सो गाइस ये थी फोटो जो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी अच्छी एडिट कर दिया, और ये बिल्कुल सिंपल है, कोई भी एडिट कर सकता है। तो अभी मुझे कमेंट, मुझे उम्मीद है कि मुझे व्हाट्सएप पे आना कमेंट्स बाद हो जाएंगे कि हमें फोटो एडिट करके दें। और गाइस हाँ एक और बात, आप जो स्क्रीन पे नंबर आपको नजर आ रहा होगा व्हाट्सएप पे, आप इस पर अपनी फोटो बेस्ट फोटो क्लिक सेंड, जो बेस्ट क्लिक्स आप सेंड करें उनको मैं एडिट करूँगा और उनके लिए भी व्लॉग पे एक प्यार सा व्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा। लेटेस्ट न्यूज़ है। सो फोटो आपको उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो चैनल पर न्यू है उनसे उम्मीद है यार क्या देख रहे हो वीडियो सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yeah.